हाय एवरीवन, दिस इज पिया। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल फाइंडिंग हैप्पीनेस विद पिया में। मुझे ना अभी एक शादी में जाना है, उसके लिए मैं रेडी हो रही हूँ। मैं बहुत स्पीड में रेडी हो रही थी, सोचा गेट रेडी विथ मी शेयर करती हूँ। साथ में इसको आप विंटर वेडिंग गेस्ट लुक भी कह सकते हैं, बिकॉज मैं क्या पहनूंगी, मेरा आउटफिट की डिटेल सब कुछ आपको दूंगी। तैयार तो मैं जैसे होती वैसे ही होने वाली हूँ। अभी मैं इतना शादी से आई हूँ, मेरी आंखों के नीचे हल्के हल्के डार्क सर्कल्स हो गए, इन दिनों पता नहीं हो ही गए हैं। और कंटिन्यू मतलब अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट यूज करें, इस वजह से फेस पे भी काफी प्रॉब्लम चल रही है। मॉइस्चराइज कर चुकी स्किन को, ठंडी तभी मॉइस्चराइज करना बिल्कुल नहीं भूलना। मैं बहुत जल्दी में बनाऊंगी ये सब। अब मैं लगाने जा रही हूँ सीसी क्रीम जो हिलेरी हुड्डा की है। और इसमें क्या होता है, यहाँ ऊपर कंसीलर रहता है और अंदर इसमें बीबी क्रीम रहती है, आई मीन सीसी क्रीम। कंसीलर मैं अलग से यूज नहीं करती हूँ, बिकॉज मेरे फेस पे बहुत जल्दी से वो लाइन्स पड़ जाती हैं। अपनी स्किन को मैं वो कर चुकी हूँ मॉइस्चराइज, अब मुझे कुछ फाउंडेशन वगैरह नहीं लगाना है। ये वाला मेकअप मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज अभी मैंने आपको इससे पहले वेडिंग गेस्ट लुक सॉरी मायके की वेडिंग में क्या पहने ये शेयर किया था। तो उसमें ना मैंने यही वाला मेकअप मैंने हर जगह किया था, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी अलग से लाइट के। और मैं बस ऐसे ही बस इतना सिंपल सा मेकअप करके भी अच्छी लगा करती थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके सामने बस वो करके दिखाऊं कि हाँ ये अच्छा लगता है। और इसमें भी ना मैं प्राइमर लगाने वाली थी फिलहाल तो, बट मैंने वो लगाया नहीं। कौन सा वाला प्राइमर होता है, वो जो है ना स्विस ब्यूटी का जो बहुत चमका देता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है, बट अभी फिलहाल मुझे टाइम नहीं था तो मैंने वो भी नहीं लगाया है। जितने मैं ना जब अपने कुछ खास की वेडिंग में जाती हूँ तो मैं ध्यान रखती हूँ कि बहुत कम प्रोडक्ट यूज करूँ, जिससे जाके नाक ना कटे। मतलब थोड़ी सी काली है ये सुन लूंगी, लेकिन वो अजीब सा ना लगे, फेस वियर्ड ना लगे, बिल्कुल वैसा नहीं होना चाहिए। क्रीम मैंने लगा ली है, अब सेकंड स्टेप क्या करूंगी, थोड़ी सी आईब्रो सेट करूंगी। पहले मैं बेटन बैंड की किट यूज करती थी, अभी ना मैंने अंजू से ये वाली इनकी पेंसिल तार ली है। ग्लैम 21 की पेंसिल है, ब्राउन कलर की है, और ये बहुत बहुत अच्छी मुझे इतनी जम गई है। जब से मुझे ये मिली है ना, मुझे एक तो ये बहुत ज्यादा इजी लगने लग गया इससे सब कुछ करना। और लाइट ब्राउन है ना तो ये बिल्कुल अच्छे से मर्ज हो जाता है हमारे मतलब आईब्रो के साथ। जब ऐसा लगे ना कि कुछ आगे पीछे हो रहा है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, तो उसको ऐसे कर लो। यस, क्योंकि मैंने ब्यूटी ब्लेंडर का यूज नहीं किया है, इसलिए मुझे ये वाला डर बिल्कुल नहीं है कि मेरा मेरी क्रीम इधर से निकल जाएगी, उधर से निकल जाएगी। मैं बार बार खुद ही हाथ से उसको सेट करती रहती हूँ। अब नेक्स्ट बारी है पाउडर लगाने की। पाउडर के लिए जरूर मुझे किसी मतलब पफ वगैरह की जरूरत पड़ती है इसे लगाने के लिए, तो मैं लगा रही हूँ बीबी पाउडर। मैंने आपको हमेशा की तरह बताया है, पाउडर लगाओ ना तो कान के पीछे या कान पे लगाना बिल्कुल मत भूलो, क्योंकि ना शादी में फेस वेस तो ठीक है, ये साइड वाइड की चीजें बड़ी आफत देती हैं, जब लोग देखते हैं ना तो वो सही नहीं लगता है। सो आई एम डन विथ माई बेस। बेस में इतना ही रखती हूँ। एक बार सपना ने मुझसे शेयर किया था कि मैं कितनी भी ट्रिप्स देख लूँ, कितना भी कुछ कर लूँ, लेकिन फाइनली मेरा मेकअप वैसे ही केक ही हो जाता है। सपना एक बार ये ट्राई करना, सिंपल सा मॉइस्चराइजर, फिर हल्की सी अपने बीबी क्रीम या सीसी क्रीम जो आपको सूट करे लगा लो, और बस हल्का सा पाउडर लगा लो, सेट रहोगे, फुल सेट रहोगे। अब थोड़ा सा कलर ऐड करते हैं, मतलब मैं पहनने जा रही हूँ, माय हस्बैंड इज लुकिंग सो हैंडसम। इधर जस्ट वन मिनट, देखो ये तो तैयार भी हो गया, मतलब लड़कों को तैयार होने में कितना कम टाइम लगता है। देखो 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 देखो, ओके 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 माय हैंडसम, और सारा टाइम लड़कियों को ही लगता है। तो थोड़ा सा कलर ऐड कर रहे हैं हम लोग, यू नो सर्दी में ये कलर ऐड करना बहुत जरूरी है। जो पिंक सा वो जो ब्लश वाला इफेक्ट आता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे हाथों को देख लो, मेरे फेस को देख लो भाइयों बहनों, ऐसा नहीं है कि मेरे फेस को क्रीम पाउडर चमका है, ये मुझे बचपन से श्राप मिला था मैं कि मेरे हाथ बेचारे थोड़े से ऐसे है ही। क्या ज्यादा हो गया क्या? नहीं 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 हुआ। और ये बहुत बहुत ज्यादा, ये वाला ब्लश जो है ना, ये तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी यार। ये मैंने अमेजन से लिया था, इसकी लिंक मैं छोड़ दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लेना। हालांकि मैं बहुत बुरी हूँ इस मामले में, लिंक नहीं छोड़ती हूँ, लेकिन छोड़ दूंगी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी एकदम शाइन दे देता है अंदर से। देखो हो गया। तो अब करते हैं थोड़ा सा आई मेकअप, 2 मिनट के अंदर करूंगी क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। और लिप्स, और फिर मैं कपड़े दिखाती हूँ, कपड़े क्या पहनने वाली हूँ। थोड़ी सा आई मेकअप करते हैं।
सो ना मेरी आई मेकअप की कहानी कुछ ऐसी है कि मैं 100 ट्यूटोरियल देख लेती हूँ और फिर मैं सोचती हूँ कि अब मैं इस बार ये करूंगी, ऐसे ही करूंगी, बिल्कुल यही वाला करूंगी इस बार तो, और मेरा फाइनल हमेशा बस इसी पे होता है जो मैं कर रही हूँ। मुझे पता नहीं, एक तो ये मेरे फेस पर जमता बहुत है और मुझे इसके अलावा कुछ और जमता भी नहीं है। वरना मुझे लगता है कि इतने रंग बिरंगे बन के रियल लाइफ में नहीं जाया जा सकता है। आप कोई मेकअप आर्टिस्ट तो हो नहीं, आप कुछ अलग से तो हो नहीं जो आपको स्पेशल वही चीज दिखानी लोगों को। जो वाटर प्रूफ काजल हमारे होते हैं वो हरगिज ब्लैंड नहीं होते हैं, तो ये वाला काजल ले लो, 10 रुपए का आता है यार लोकल मार्केट में तो ये। या फिर इसकी जगह हिमालय का काजल आता है, 45 रुपीज का आता है, वो बहुत अच्छा सा ब्लेंड होता है यार, और हिमालय का है तो आपको ये भी लगेगा हम कोई ब्रांड यूज नहीं कर रहे हैं। वैसे मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओह वाओ मम्मी, बहुत अच्छी लग रही है। अरे नहीं लग रहा मम्मी, सिंपल है। सो ब्लैक कलर की मैंने क्या कर रहा था, काजल लगा लिया था, इसके बाद ब्राउन कलर का आई शेडो लेके इसको ब्लेंड कर रही हूँ। लगाऊंगी इसके ऊपर लाइनर और मस्कारा, दैट्स इट, दिस इज माय फाइनल आई मेकअप। कभी कभी मेरा इससे थोड़ा सा बड़ा हुआ करने का मन करता है तो मैं शीमर ऐड कर लेती हूँ, बस इसके आगे तो मैं कुछ नहीं करती हूँ। दूसरी आंख करती स्पीड के संग क्योंकि लेट हो रहे हैं, ज्यादा दिखा दिखा के करूंगी तो और ज्यादा लेट हो जाऊंगी, और फिर मैं कपड़े दिखाती हूँ। सो मेरा मेकअप वाला पार्ट हो चुका है कुछ इस तरह से, मतलब मैंने आई को फाइनली ऐसे कंप्लीट करा, और अब लिप्स। सर्दियों में ना लिप ग्लॉस बहुत अच्छा लगता है, तो न्यूड लिप रख के हल्का सा ग्लॉस लगाया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं कपड़े क्या पहनने वाली हूँ। कपड़े पहन के मैं आती हूँ, पहले मेरे पास ना हमेशा की तरह मैं इतनी कंफ्यूज हूँ, 3 ऑप्शन लेके बैठी, मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या है और मैं फाइनल क्या सोचा है क्या पहनने वाली हूँ। सो साड़ी ना मैंने ये डिसाइड करी, और ये ना ये ब्लाउज इसका थोड़ा सा ऐसा वाला है, मतलब दोनों तरफ से आपकी ब्रा बिल्कुल दिखेंगी, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ना है बिकॉज हम इसके साथ स्टॉल ऐसे स्टाइल करेंगे। मैं वैसे लंबे में दिखाऊंगी, इंस्टाग्राम पे शायद आपको दिखा पाऊँ क्योंकि इस पे तो कैसे दिखा पाऊंगी। तो मैंने क्या किया है, इसे स्टॉल को लिया है, साड़ी के साथ स्टॉल कैसे स्टाइल करें तो ऐसे करें, ये लिया और इसको मैं यहाँ पे टक कर लूंगी और बच्चों की प्लेट्स बना लूंगी, तो ये ऐसे कुछ हो जाएगा और यहाँ से ये ऐसे दिखेगा। मैं भी करके दिखाती हूँ आपको तो समझ में आएगा। तो ना गले में मैंने ये पहन लिया है, मुझे लगता है वेलवेट के साथ जो है पर्ल बहुत रॉयल लगता है। पीछे मेरी अलमारी खुली हुई है, एंड ईयरिंग में ये पहन रही हूँ, अभी मेरी नेल पेंट नहीं लगी है, बिल्कुल अधूरा है, लेकिन अब वो मैं गाड़ी में बैठ के लगाऊंगी। सो मैं ईयर रिंग भी ना पर्ल के छोटे वाले ढूंढ रही थी बट मुझे नहीं मिले, तो मैंने ईयर कफ पहन लिए थे, बट शादी के टाइम पे मुझे मिल गए थे जब मैं वहाँ गई थी, तो मैंने बाद में वही वाले ईयर रिंग पहने, मतलब आगे वाले क्लिप्स में आपको वही दिखेंगे। ये मेकअप ट्यूटोरियल ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है, ज़्यादातर लोग मुझे लगता है इसी टाइप से करते होंगे, बट मैंने इसलिए बताया अभी डांडिया के टाइम पे ना मैं पार्लर पर तैयार होने गई थी और उन्होंने मुझे बिल्कुल ऐसे ही तैयार किया था और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थी, बिल्कुल नेचुरल लग रहा था, बाकी लोग बहुत पुते पुते लग रहे थे, मुझे वैसे पुता हुआ नहीं लगना था, तो ये बहुत नेचुरल लग रहा था, प्लस ना कोई ब्रश का यूज़ करना पड़ता है ना किसी ब्यूटी ब्लेंडर का, सिंपल से हम लोग फटाफट से तैयार हो सकते हैं। बच्चों के संग घर में जो हाउसवाइफ्स हैं उन्हें इतना टाइम नहीं होता कि वो ट्यूटोरियल वाला मेकअप कर सकें। तो ये मेरा फाइनल लुक है, हम लोग शादी में आ चुके हैं और ये मेरा फाइनल लुक है। मुझे ना कुछ बात करनी थी आप लोगों से, मुझे पता है कि पिछले कई दिनों से, लाइक महीनों से, 2-3 महीनों से लगातार ऐसा चल रहा है, कभी मेरी तबीयत खराब हो जाती है और कभी मेरे संग कोई प्रॉब्लम, मतलब मुझे लग रहा है पिछले नवरात्रि से ऐसा चल रहा है, 2-3 महीने तो हो ही गए इस बात को कि मेरे वीडियो जो है वो रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं। और एज ए क्रिएटर मुझे ना जितना आपको बुरा लगता होगा ट्यूजडे सैटरडे को कि अरे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसकी तो कोई बात ही नहीं है, इसके तो कोई वीडियो ही नहीं आते हैं, बिल्कुल उतने उससे कई गुना ज़्यादा बुरा मुझे लगता है जब ट्यूजडे सैटरडे को मेरे वीडियो नहीं जाते हैं। कई बार मैंने सोचा कि मैं बंद कर देती हूँ यूट्यूब, फिर मुझे लगा इससे भी क्या हो जाएगा, कभी ना कभी मैं, क्योंकि ये मेरा ड्रीम है तो कभी ना कभी तो मैं स्टार्ट करूँगी, तो जब स्टार्ट करूँगी मुझे फिर से स्क्रैच से करना पड़ेगा, तो मैं नहीं कर पाती हूँ बंद। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं बस आपसे इतनी कहूँगी प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं रेगुलर रहूँ, अब से रेगुलर रहूँ, इस ट्यूसडे से, मतलब रेगुलर वीडियो आएंगे मेरे, वीक में 2 ही आएंगे, मैं 3 वीडियो मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, तो 2 ही वीडियो आएंगे बट रेगुलर आएंगे। ये ना मेरा बहुत टफ वाला टाइम चल रहा है, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, कभी सर्दी लग जाती है, कभी उनकी तबीयत खराब, कभी मेरी तबीयत खराब, कभी घर में मेहमान आ जाते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, मैं ऐसी कोई न्यूक्लियर फैमिली में तो नहीं रहती हूँ। ऐसे टाइम पे मुझे जो भी लड़कियाँ अभी सपोर्ट कर रही हैं, जिन लोगों के भी मैसेज आते हैं, जो लोग कहते हैं यस हम समझते हैं कोई बात नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल से बहुत 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 थैंक यू।
एक एक लड़की को जो मुझे भी सपोर्ट कर रही हैं, या मेरे साइलेंट सब्सक्राइबर्स को भी जो कमेंट या ये सब नहीं कर पाते हैं, बट चलो देखते हैं, गुस्से में देखते हैं लेकिन देखते हैं मुझे, और मुझे सपोर्ट करो, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली मेरे वीडियो शेयर करो, बिकॉज आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। ये सब चीज़ें मैं कभी भी आपसे, आपने देखा होगा अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो गए तो, मैं रेगुलर कभी नहीं कहती हूँ आप लोगों से, बिकॉज मुझे खुद को ही अच्छा नहीं लगता, बट मुझे लगता है कि मुझे कहना चाहिए आप लोगों से, बिकॉज फैमिली हो आप मेरी, आपसे नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी बताओ। दिस इज माई फाइनल लुक, ये मैंने फाइनल बहुत जल्दीबाजी में पहन लिया है। चूड़िया चूड़ा मैंने ये वाला पहना है, वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, और साथ में ये पहना है। कितनी भी ठंड हो, कसम से मुझे वहाँ पे जाके गर्मी लगी थी, ये वापस आके निकालने से पहले मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ, वहाँ की क्लिप्स मैंने ऐड कर दी होगी वैसे तो, और वहाँ जाके मुझे लिटरली इतनी गर्मी लगी थी, आप सब कुछ पिन खोल दी थी, तभी याद आई कि मैं एक बार आपसे बात कर लेती हूँ। बिंदी छोटी सी लगाई थी, सिंपल सी पोनीटेल बनाई थी ताकि ओवरऑल ये पंचायत ज़्यादा दिखे, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, और पर्ल का नेकलेस पहना था बिकॉज वेलवेट संग पर्ल बहुत अच्छा लगता है। सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं ट्यूजडे के दिन। वैसे ये वीडियो मैं आज ही सैटरडे को पोस्ट करने वाली थी, बट अब क्योंकि 10:30 हो गया, एडिटिंग करते करते मतलब 11 बजेंगे तो क्या मतलब है, तो कल संडे के दिन ये वीडियो आएगा, और नेक्स्ट वीडियो ट्यूजडे के दिन डेफिनेटली आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।